हमारे टेस्ट फेज का टेस्ट फेज वन जो है इसका हमारा जो सेकंड हमने डिवाइड किया था सेकंड टॉपिक हमारा आज का है फंक्शंस के बारे में व्हाट आर फंक्शंस ठीक है अगर हम फंक्शंस को डिफाइन करें प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में तो इट इज़ कॉल्ड इट इज़ सिंपली इट इज़ अ कोड ब्लॉक इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ओनली अ सिंगल टास्क हम इसको फंक्शंस कह सकते हैं हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है मिसाल के तौर पर हम ऐड कर सकते हैं एडिंग टू नंबर्स ये एक टास्क है एक ऐसा फंक्शन है जो दो नंबर्स को ऐड करता है ठीक है कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू इट्स इनवर्स ये भी एक फंक्शन है एक नंबर हम उसको दें और उसका हम इनवर्स कर दें ठीक है जी कैलकुलेटिंग पावर ऑफ ए फंक्शन पावर ऑफ अ गिवन फंक्शन गिवन नंबर ये भी एक फंक्शन है तो इस तरह हमारे पास एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो ना ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये आपका एक फंक्शन कहलाता है समझ आ गए मेथड्स भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है यानी फंक्शंस या सम टाइम लफज मेथड्स यूज़ किया जाता है आर सेम इन मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें हो सकता है फंक्शंस हमारे पास जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर अगर हम इसको ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो दो किस्म के होंगे ठीक है सच फंक्शंस दैट रिटर्न सम वैल्यू ओके एक तो ये हो गया एंड सच फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू ये हो गया लेकिन दोनों कुछ ना कुछ परफॉर्म ज़रूर करेंगे इस तरह हमारे पास जो है वो सी शार्प के जो फंक्शंस हैं या कोई भी ये फंक्शंस हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सी में भी यही इनकी डेफिनेशन है सी प्लस प्लस में भी यही है जावा में भी यही है और सी शार्प में भी हम फंक्शंस को इसी तरह से डील करेंगे यहाँ तक बात की समझ आ गई अब आप देखें कि फंक्शंस हमने लिखने हैं मिसाल के तौर पर तो इसके अंदर जो फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स है उसके लिए देखें मैंने आपका जो कोड है जो रेफरेंस वेबसाइट है उसको मैंने खोला आप देखें कि उसने यहाँ पे ये एक फंक्शन लिखा ऐड अप का ये एक मैसेज बॉक्स शो करेगा और वैल्यू को रिटर्न कर देगा ये देखें कॉलिंग योर मेथड्स है और ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये आपके पास फंक्शंस के मैं सेंड कर दूंगा इस लिंक को ठीक है इसके अलावा आप जहाँ कहीं से भी पढ़ेंगे ना तो आपको फंक्शंस और सी शार्प के बारे में बड़ा सफिशिएंट मटेरियल जो है ना वो मिल जाएगा कि सी शार्प में फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं अगर हम सी शार्प के पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बात करें तो आप देखिएगा कि इसको डिक्लेयर करना करते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं दो चीज़ें सबसे पहले हम उसका जो है ना वो स्कोप लिखते हैं कि इसका स्कोप क्या होगा यानी ये पहली चीज़ है ओके दूसरी चीज़ स्पेस देने के बाद हम लिखते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी ये समझते जाने तीनों चीज़ों में उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं कि इस फंक्शन का जो है वो नाम क्या होगा उसके बाद पेरेंसिस स्टार्ट करेंगे पेरेंसिस के अंदर हम उसके पैरामीटर्स मीटर्स ठीक है जिनको सम टाइम हम आर्गूमेंट्स भी कहते हैं और इस तरह इसके अंदर जो है वो हम फंक्शन की सारी जो है वो बॉडी लिख देंगे बॉडी ऑफ फंक्शंस इसको ज़रा ध्यान से समझ लें एक फंक्शन उसका स्कोप क्या है उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप क्या है और उसका नाम क्या है और उसके पैरामीटर्स क्या हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में इल्म है पहले क्यों जी स्कोप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपने पढ़ा था कि पब्लिक फंक्शन होते हैं प्राइवेट फंक्शन होते हैं और प्रोटेक्टेड फंक्शन होते हैं ठीक है ऐसे फंक्शन जो हर जगह एक्सेसिबल करना चाहते हो आप उसको पब्लिक बना दोगे जिनको आप चाहते हो कि नहीं ये अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक्सेसिबल हों देन हम उसको प्राइवेट बना देंगे और इस तरह ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास ये इसके स्कोप से मुराद ये है रिटर्न टाइप से ये मुराद है कि क्या ये फंक्शन चलने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करेगा मैंने जैसे बताया कि या ये रिटर्न टाइप का हो सकता है या ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा ये सारे फंक्शन हाँ जी
बिल्टन है ना, जब हम वो लिख रहे थे, आप देखो ये कोड जो दिखा है हमारे सामने, इस कोड को ज़रा देखें गौर के साथ, तो इसके अंदर ये एक फंक्शन ही है, ये देखो ये एक फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है प्राइवेट, इसका स्कोप हो गया ठीक है, कि ये फंक्शन जो है वो सिर्फ इसी फॉर्म वन क्लास के अंदर यूज़ होगा। दूसरा क्या लिखा, void, void means it will return nothing, ये return less है, कुछ नहीं करेगा। दूसरा form one load, ये इसका नाम हो गया, नाम function का जो है ना वो आप हमेशा जो है वो representative नाम उसका होना चाहिए, जो वो काम करता है उस काम से मुतलका उसका नाम होना चाहिए। जैसे इससे शो हो रहा है कि ये वो function है या वो method है C sharp का, function या method एक ही लफ्ज़ है, जो form one के load होने पे चलेगा। बाकी ये दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, एक सेंडर के नाम से, एक इवेंट के नाम से, ठीक है। पर अब हम जो कुछ यहाँ लिखेंगे वो इसकी बॉडी है, जो कि कब चलेगा, जो लाइन ऑफ कोड आप लिखते हैं। अब आप देखें, जब आप फॉर्म वाली प्रोग्रामिंग में बटन वन पर डबल क्लिक करते थे तो ये एक प्राइवेट मेथड जो है वो डिक्लेयर हो गया था खुद ब खुद, समझ आ रही है ना। इसी तरह अगर हम चाहते तो हम इसके नीचे खुद से अपना फंक्शन भी जो है वो इसी क्लास के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, वही हमने आज देखना है। समझ आ रही है चीज़ों की, क्यों जी? अच्छा, अब इस फंक्शंस को देखें आप, के बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर ऐड फंक्शन लिखने की। ओके, हमने लिखा जैसे हमने लिखा प्राइवेट, पब्लिक लिखता हूँ मैं, पब्लिक void, void means नो रिटर्न, ठीक है जी। ऐड उसका नाम हो गया, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, या दो पैरामीटर हम दे देते हैं इंट एंड इंट, int कॉमा int, ये। और उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, ये यहाँ तक जो लिखना है ना इसको कहते हैं सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन, ये जो चीज़ मैंने लिखी है। ओके, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, ये बहुत, ये आपने C++ में पढ़ा था, सिग्नेचर ऑफ ए फंक्शन, यानी ये कंपाइलर को सिर्फ ये बताएगा कि इस प्रोग्राम में कहीं एक फंक्शन होगा जिसका नाम ऐड होगा, और वो दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर लेगा, और रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं, और उसका स्कोप होगा पब्लिक। अभी हमने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया, इसको सिग्नेचर भी कहते हैं, इसको एक एक लैंग्वेज में हम प्रोटोटाइप भी कहते होते थे, फंक्शन प्रोटोटाइप, समझ आ रही है। C++ में सिग्नेचर कह लें, प्रोटोटाइप कह लें, ये आपका एक फंक्शन हो गया। लेकिन जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे, अब आपने लिखा पब्लिक void add, अब हम इसको डिक्लेयर करें तो int के आगे आपको x लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, int के आगे हमने y, कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद आप ये इसकी ब्रैकेट्स हो गई, और ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर अब आप जो चाहो इसके इसके लिए कर सकते हो, जो आपका कोड है वो आप कोड यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ऐड नाम के फंक्शन को, ठीक है, आप इसमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये यहाँ से अगर मैं लिखूं तो ये आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया। फॉर एग्जांपल मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये क्या करता है कि जो वैल्यू हम देते हैं, समझ आ रही है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, और ये उनको जो है वो प्लस करके हमें शो करवा देता है। ओके, लो जी, ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा गया इसके लिए, सी के लिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम ऐड है, दो वैल्यूज़ आपसे लेगा, और जब भी आप उसको चलाओगे आपकी कंसोल के ऊपर राइट कर देगा उसका सम, ऐसे ही जी। नहीं देखो ना, अब इस इनिशियलाइज नहीं किया, अब हम ऐसे करेंगे ना, हम प्रोग्राम के अंदर, अगले बात है हमने इसको कॉल कैसे करना है, कॉलिंग अ फंक्शन, जो भी हमारा मेन प्रोग्राम होगा, समझ आ रही है, उस मेन प्रोग्राम में हम इसको ऐसे कॉल करेंगे, ऐड ब्रैकेट्स में 3, 6, ये देखो इस तरह हम इसको ऐड करें 4, 6। अब ये क्या, जैसे ही ये फंक्शन चलेगा हमें 10 जवाब जो है वो आउटपुट पे मिल जाएगा। आप जो यहाँ से पास कर रहे हैं ऐड, आप ऐसे भी कर सकते हो 4, 5, m, कोई m नाम का वेरिएबल है जिसको आप पास कर रहे हो, आप दोनों वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो m, n, ये ऐसा भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप देखो कि दो से ज़्यादा इंटीजर वैल्यूज़ आप इसको पास नहीं कर सकते,
आप इंटीजर की बजाय फ्लोट को पास नहीं कर सकते। आप किसी अगर आपने इंटीजर दिया हुआ है तो यहाँ से आपको एंटी पास करना पड़ेगा। अगर आप गलत पास करेंगे तो फिर वही कास्टिंग वाला और आपके सामने कन्वर्जन टाइप। बेटे ये एम और एन कोई भी दो वेरिएबल आपके प्रोग्राम के हो सकते हैं, ये मैं जस्ट कॉलिंग बता रहा हूँ। हमने जो फंक्शन लिखा था उसको कॉल करना है। अब चूंकि इस फंक्शन में दो वैल्यूज हमने पास करनी है तो ये मैं डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपके पास दो वैल्यू कांस्टेंट हैं तो आप लिख दो 4 व 6। एक नंबर कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है तो आप वेरिएबल का नाम लिख दो। लेकिन ये एम क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अगर आपके पास ज़ाहिर है वो तो प्रोग्राम में डिक्लेयर होगा, टेक्स्ट बॉक्सेस में हमारे पास डिक्लेयर होगा एज इट इज़। हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं ना अभी, कि जो हमने वो टेक्स्ट बॉक्सेस वाला नहीं किया उसके लिए मैं इसकी अभी आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। यहाँ तक बात की समझ आ गई? नहीं, वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। ये m की वैल्यू x के पास चली जाएगी, n की वैल्यू जो है वो ये जो x और y है ना, ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो इसी के अंदर बनेंगे और इसी के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम पास कर रहे हैं। m की वैल्यू जाके x को मिल जाएगी, n की वैल्यू जो है वो जाके y को मिल जाएगी। यहाँ तक बात किस समझ आई? हाँ जी, m और n हमारा प्रोग्राम के अंदर मौजूद कोई इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होंगे जिनमें हमारी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर्ड होगी, ठीक है। तो फंक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए या रीयूजेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। बाज़ औक़ात हमारे पास कोई ऐसा काम होता है जो हमने अपने एक प्रोग्राम में 10 दफ़ा करना है, तो आपको 10 दफ़ा उसका कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप उसको उसका एक फंक्शन बना लो तो आपको 10 जगह उसे कॉल करना पड़ेगा, 10 जगह उसको कॉल ही आप करेंगे उसको दोबारा से कोड पर, यानी कोड की रीयूजेबिलिटी, ये इसका एक मेजर एडवांटेजेस था। हाँ जी, एक ही फंक्शन जो है वो हमारे पास बार बार होता है। हाँ जी आप बेसिकली फंक्शंस बनाते ही उस ब्लॉक ऑफ कोड को हैं जो ब्लॉक ऑफ कोड आपके प्रोग्राम में बार बार रिपीट होना होता है, ठीक है। और ये आएगा आपको जब ये आपकी असाइनमेंट आएगी उसमें ये तय होगा कि आप ये काम करें और इसके लिए ये फंक्शंस बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो बगैर फंक्शंस के है ही नहीं। याद करो ना, हम क्लास में क्या लिखते थे? एक क्लास में पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद उस क्लास के फंक्शंस, याद है कि नहीं याद? यानी उस क्लास के जितने भी काम हमने लेने थे फंक्शंस के जरिए लेते थे, करते थे या नहीं? सेट वैल्यू करनी होती थी, गेट वैल्यू करनी होती थी, डिस्प्ले करनी होती थी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि हम फंक्शन उस वक्त हमने, तो ये इस तरह करके हम जो है वो एक सी के अंदर या सी शार्प के अंदर जो है वो फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। हमारे पास 3 टॉपिक हैं इसके रेलेवेंट। नंबर 1 टॉपिक था सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन का नाम क्या है, पैरामीटर या एट्रीब्यूट क्या है। तो इसमें कवर्ड हो गया, सिग्नेचर की समझ आ गई। जब हम फंक्शन को इस तरह से लिख देंगे, ये वाली लाइन, कोई बॉडी डिक्लेयर नहीं की, इसमें उसका स्कोप भी आ गया, उसका नाम ऐड है, उसके पैरामीटर्स कितने हैं 2 और उनकी टाइप क्या है, इंटीजर है। एक फंक्शन को आप 1-2 से ज़्यादा पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, उनकी इकसाम मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, समझ आ रही है। ये नहीं है कि दोनों एंटी देने हैं या दोनों स्ट्रिंग देने हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। पैरामीटर्स की तादाद और पैरामीटर्स की टाइप उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करती है, समझ आ रही है ना। मिसाल के तौर पर आप एक फंक्शन को एरे देते हो और कहते हो कि इस एरे के अंदर जो हबीब नाम है उसकी एज हमें रिटर्न करो। एक 2-डायमेंशनल एरे हम उसको देते हैं जिसमें नेम और एज लिखी हुई है, हम दे रहे हैं उसको एक एरे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि void, ठीक है, सर्च, ये मैं वैसे नाम दे रहा हूँ, सर्च एज, ओके। अब इसमें हम दे क्या रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम एक एस स्ट्रिंग नाम की एरे दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि जो है वो 34 नाम की एज जो है ना वो इसको तलाश करो, यानी उसके बाद हम इंट दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से हो सकता है? हाँ हाँ, बड़ी आसानी से। हाँ जी एक ही उसमें हम इसको मैं बता रहा हूँ ना, देखो याद करो,
अगर एरे में हम ये कर रहे हैं तो हम एरे को इसके काबिल कैसे बनाएंगे, वही चीज़ तो बता रहा हूँ। आप एज को एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर दो ना उसमें, जब आप एरे में नाम और एज को ले रहे हो तो हम एज को एज ए स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, जब उसमें से उठाएंगे कन्वर्ट करके उसको इंटीजर बना लेंगे। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। आप देखो कि फॉर्म के ऊपर जितना डाटा हमने देना है वो क्या होना है टेक्स्ट बॉक्स में, स्ट्रिंग, लेकिन हम तो नंबर भी देते हैं वहाँ और नंबर वहाँ से लेते भी हैं, समझ आ रही है ना। तो ये स्ट्रिंग से इंट, इंट से स्ट्रिंग, ये कास्टिंग और कन्वर्टिंग जो है ये चलती रहती है। हम इसमें अब देखो, इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग नाम की एरे है, बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह करके दे दूँ ऐसे, ये सिर्फ समझाने के लिए कि अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो किस्म के पैरामीटर जा रहे हैं। एक पैरामीटर जो है वो फलां है, दूसरा फलां है। इसी तरह एक पैरामीटर, मिसाल लेट्स सपोज हम एक और बनाते हैं कि जी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि डबल, ठीक है, और POWR पावर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ्लोट 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 कॉमा इंट, ये देखो क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो कि फ्लोट और इंट। अब मैं पावर का एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं जो नंबर दूँ साथ उसकी पावर दूँ, वो पावर को कैलकुलेट कर लें। अब इसमें मैं जो वैल्यू दूंगा, मैं कहता हूँ 3.5 की 2 पावर मुझे 2 कैलकुलेट करें। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फ्लोट फ्रैक्शनल पार्ट की होल पावर को कैलकुलेट करेगा और हमें जो वापस देगा वैल्यू वो क्या, डबल है। रिटर्न टाइप इसकी डबल है और जिसकी पावर लेनी है वो फ्लोट है। तो ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम फंक्शंस में आर्गुमेंट की तादाद और आर्गुमेंट की डेटा टाइप जिस तरह की हमारी ज़रूरत है हम रख सकते हैं। इट डजंट मीन कि एक ही टाइप के पैरामीटर्स होंगे और एक ही तरह के उसके तीन लफ्ज़ हो गए, एट्रीब्यूट्स, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, एक ही चीज़ है फंक्शंस के हवाले से। नाम का पता चल गया, क्यों जी पता चल गया, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम लिखने के जो रूल्स होंगे वो वही हैं जो एक वेरिएबल को लिखने के रूल्स हैं। नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जो वो काम करता है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। यहाँ तक बात की समझ आ गई, ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल इसके अंदर नोट करते हैं जी, हम कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन लिखें जिसके लिए हम जो है वो, अभी हमने एक एग्जांपल अपने सी शार्प के प्रोग्राम में देखी थी, उसके लिए अब हम इसको फॉलो करते हैं। सी शार्प कंसोल की एप्लीकेशन जो है उसके अंदर हम इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं जी, ठीक है।